हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा और आप सभी का स्वागत है। चलो लर्न करते हैं। मैं तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ क्लास वन का ईवीएस का चैप्टर माय फैमिली। ओके, तो ये सिलेबस से ही है, ईवीएस के सिलेबस से ही है माय फैमिली। देखिए, अगर इसमें अगर मैं वर्कशीट भी बताऊँगी माय फैमिली पे, वर्कशीट में भी बताऊँगी माय फैमिली पे जैसे क्या आता है। क्लास वन में पढ़ना रहता है माय फैमिली, इसमें है स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली को ही कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। ओके, तो इसमें है डिफिनेशन, जैसे अ फैमिली विथ फादर मदर एंड टू चिल्ड्रेन इज कॉल्ड स्मॉल फैमिली, या फिर इसे न्यूक्लियर फैमिली भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया स्मॉल फैमिली। और अब आता है बिग फैमिली। बिग फैमिली को हम जॉइंट फैमिली भी कहते हैं, जैसे अ फैमिली विथ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, अंकल्स, आंट्स, चिल्ड्रेन एंड कजन्स इज़ अ बिग फैमिली, या फिर जॉइंट फैमिली। तो ये तो होगा फैमिली के टू पार्ट। ओके, अब इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर इसमें ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब कैसे पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से कैसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इसका वर्कशीट देखते हैं। जैसे इसे फिल करना है, ठीक है, फादर मदर एंड टू चिल्ड्रेन फॉर्म अ, क्या हो जाएगा, तो टू चिल्ड्रेन, तो ये स्मॉल फैमिली होगा या फिर न्यूक्लियर फैमिली। जो भी बच्चे को आप अच्छे से याद हो सकता है वो हम याद करा देंगे। तो स्मॉल फैमिली तो अच्छे से याद होगा बच्चों को, तो स्मॉल फैमिली। फिर दूसरा है ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स इज अ बिग फैमिली, बिग फैमिली हो जाएगा, तो इज अ बिग फैमिली। इस तरह से हम क्वेश्चन बना करके बच्चों से पूछ सकते हैं, या फिर बुक्स में भी दिए रहते हैं क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह। फिर इसमें थर्ड है आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा स्कूल। अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर इसमें अनदर नेम फॉर अ स्मॉल फैमिली इज, तो अनदर नेम फॉर स्मॉल फैमिली इज क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली होता है, तो न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगा। स्मॉल फैमिली को ही न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं और बिग फैमिली को जॉइंट फैमिली कहते हैं। फिर अनदर नेम फॉर अ बिग फैमिली इज, तो बिग फैमिली में क्या हो जाएगा, जॉइंट फैमिली। ओके, ये कैपिटल हो गया, सॉरी, जॉइंट फैमिली। यहाँ भी फैमिली लिख देंगे, फैमिली नहीं लिखा हुआ था, यहाँ भी फैमिली लिख। फिर योर ब्रदर एंड सिस्टर्स आर योर, अब जैसे जो अपने भाई बहन होते हैं उन्हें सिबलिंग्स कहा जाता है। ये चैप्टर में माय फैमिली में दिया हुआ है, जो भी ब्रदर हुए अपने भाई बहन उन्हें सिबलिंग्स कहते हैं, और जो चाचा के, मामा के, उनके बेटे हो गए वो भाई बहन जो हो गए वो उन्हें कजन्स कहते हैं। तो ये योर ब्रदर एंड सिस्टर्स आर योर, यहाँ हो जाएगा सिबलिंग्स। ओके, अब है योर फादर्स मदर इज योर, तो ग्रैंड मदर हो जाएगा। ग्रैंड मदर, फिर योर फादर्स ब्रदर इज योर, तो अंकल हो जाएगा, अंकल। ओके, अब है राइट ट्रू और फॉल्स। इट इज अ फन टू प्ले विथ सिबलिंग एंड कजन्स, मतलब इट इज फन टू प्ले विथ सिबलिंग एंड कजन्स, तो यस ट्रू, फन तो होता ही है भाई, तो ट्रू। वी शुड लव आवर फैमिली, तो ट्रू। देखिए, ये सब मैंने कुछ तैयार किए हैं क्वेश्चंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, मेरे बेटे को जो पढ़ना है मैंने उससे रिलेटेड ये तैयार किया हुआ है। ओके, आप भी देख लीजिए, आप भी देख सकते हैं कि आपके बच्चों के बुक में कैसा है, किस तरह के टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं, ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं, कुछ मैच भी हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे मैच, क्योंकि यही सब तो पढ़ना ही रहता है माय फैमिली में। फिर वी लर्न अ लॉट फ्रॉम आवर फैमिली, तो ट्रू, बिल्कुल सीखते हैं हम अपने फैमिली से। ऑल द फैमिली मेम्बर्स प्ले द सेम रोल, तो फॉल्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉल्स, क्योंकि सभी फैमिली मेम्बर्स के अलग अलग काम होते हैं, फादर के अलग काम होते हैं रोल, मदर के अलग रोल होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के अलग रोल होते हैं, तो सभी के तो अलग अलग रोल होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर अ फैमिली दैट हैज पेरेंट्स एंड टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ बिग और जॉइंट फैमिली, तो नो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, स्मॉल फैमिली हो जाएगा, तो या फिर न्यूक्लियर फैमिली उसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स।
फिर है स्मॉल फैमिली आर कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली, तो ट्रू। फिर है बिग फैमिलीज आर कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली, तो ये भी ट्रू। तो इस तरह से हम बच्चों को क्वेश्चंस, इस तरह से हम बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स बना करके दे सकते हैं। ओके, अब इसी में क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट इज अ स्मॉल फैमिली, तो स्मॉल फैमिली का मैंने डिफिनेशन शुरू में ही बताया था, वो हो जाएगा। फिर व्हाट इज अ ज्वाइंट फैमिली, तो वो भी उसका आंसर भी शुरू में ही था। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हु मेक अ फैमिली, ये भी क्वेश्चन है, हु मेक अ फैमिली, तो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक अ फैमिली, ये हो जाएगा। फिर पूछा जाता है विच इज आवर फर्स्ट स्कूल, तो आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल, ये क्वेश्चन था। तो इस तरह से माय फैमिली की चैप्टर से क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस थे और ट्रू फॉल्स थे और ये थे फिल इन द ब्लैंक्स। फिर इसमें आपको ये भी पूछा जाता है फादर्स नेम पूछा जाता है, मदर्स नेम पूछा जाता है। ओके, मदर्स नेम, तो जो फादर का नाम है, मदर्स का नाम है वो। फिर ब्रदर्स नेम हो गया, सिस्टर्स नेम। फिर पैटर्नल ग्रैंड मदर्स नेम, मतलब पापा के जो फादर की जो मम्मी हुई। फिर पैटर्नल ग्रैंड मदर्स नेम भी पूछा जाता है। मीन्स जो फादर की जो मम्मी हुई वो उनका नाम हो जाएगा। फिर पैटर्नल ग्रैंड फादर्स नेम, जो पापा के यानी फादर के जो पापा हुए उनका नाम हो जाएगा। फिर इसी तरह मैटर्नल पूछा जाता है, मैटर्नल ग्रैंड मदर्स नेम। मम्मी की जो मतलब मदर की जो माँ हुई उनका नाम होगा। फिर मैटर्नल ग्रैंड फादर्स नेम, तो माँ के जो मदर के जो पापा हुए उनका नाम होगा। तो बच्चों का अगर कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे कि फादर के पापा को पैटर्नल कहते हैं कि मैटर्नल कहते हैं, तो आप उन्हें इस तरह से बता सकते हैं कि देखो एम से मम्मी होता है ना, एम से माँ होता है, तो उसी तरह एम से मैटर्नल यानी मम्मी की माँ, एम से मैटर्नल फादर यानी मम्मी के पापा, तो एम एम मिल जाएगा। तो उससे याद रख सकते हैं बच्चे कि अच्छा मैटर्नल जो है वो होगा मम्मी के पापा, मम्मी की मम्मी। इस तरह से बच्चों को याद करने में आराम होगा। और पैटर्नल फिर वो आराम से कर लेंगे कि पैटर्नल तो पापा के हो गए, पापा के पापा, पापा की मम्मी। तो इस तरह से हम बच्चों को समझाएंगे, ठीक है। फिर इसमें सिस्टर्स नेम, ब्रदर्स नेम ये सब आता है, तो वो सब लिखना रहता है। तो यही था फ्रेंड्स माय फैमिली चैप्टर में से कुछ मैंने अलग क्वेश्चंस छाटे हुए थे जो कि मैच कर ही जाते हैं, यही सब तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिलेगी और आप लोग बच्चों को अच्छे से समझा पाएंगे कि इससे कैसे बच्चों को मतलब पढ़ाने में आसानी हो, कैसे बच्चे आराम से कर सकते हैं। ऐसे वर्कशीट तैयार करके दे बच्चों को, वो आराम से कर लेंगे। ओके, बच्चे समझ तो ज़रूर ही जाएंगे ये सब चीज़ों के करने से। ओके, तो वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, और फिर बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।